डीडीसीज और तंजीम के बीच तालमेल बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे असेंबली इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, आपके इलेक्शन तो हो ही जाएंगे, अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत के इलेक्शन टाइम पे होंगे, पार्लियामेंट का इलेक्शन हो जाएगा। जो असेंबली की टिकट की ख्वाहिश रखते हैं उनको पता नहीं कितनी देर इंतजार करना होगा। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने बहुत पहले कह दिया ना, मुझे असेंबली का कोई ये नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं अपनी जगह बिल्कुल मुतमैन हूं। जब होंगे होंगे, देखी जाएगी। दुख इस बात का जरूर होता है कि जो रास्ता गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का होना चाहिए लोगों के साथ, वो इस हुकूमत में है, इसलिए वो ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं जिनसे लोग और ज्यादा नाराज होते जा रहे हैं। चाहे वो राशन को लेके हो, चाहे वो मीटर को लेके हो, चाहे वो पानी को लेके हो, चाहे वो रोजगार को लेके हो, हर तरह से देखा जाए तो सिवाय शोशा के इस हुकूमत में और कुछ नहीं है। G20 के नाम पे कितने करोड़ जाया किए गए, उस पर कभी ना कभी एक दिन एक कमेटी और कमीशन जरूर बिठाया जाएगा, जरूर। दूध का दूध, पानी का पानी, पता होना चाहिए किसको मिले ठेके, कहां पे हुआ काम। और बड़ी बात यह है कि G20 तक जितना काम हो रहे, भी कहते रहे कि ये सिर्फ G20 को दिखाने के लिए है। आज आप श्रीनगर जाके देखें, जिस दिन G20 की मीटिंग हुई और हमारे मेहमान यहां से चले गए, उस दिन के बाद जहां तक काम रुका हुआ था वहीं तक जाइए, देखिए बटमालू, देखिए आगे जवाहर नगर, जहां भी आप देखना चाहें, लाल चौक, छानपुरा, जहां पे भी, मां सिवाय गुप्कार रोड, क्योंकि वहां से LG साहब तो वो तो G20 के भी माए बाप है, तो जहां से LG साहब को गुजरना पड़ता है वहां एक आध टाइल तो ये रोज लगाते हैं, लेकिन उसके अलावा कहीं नहीं। तो दुख उस बात का होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक का तालमेल कहीं नहीं। लेकिन जो मैं बात कर रहा था DDC पंचायतों की, उसकी तैयारी आज से करना बहुत जरूरी है।